माता जी खेती में गई, बहुत सारी सब्जियां फल फ्रूट इतनी निकाली और इंस्टीट्यूटरी बड़ी हो गई। गरीब बड़ी घटनी को करके क्या करते आती है, रोड पर आई, सबको कहते रुको भाई मुझे भी लेके चलो रुको, कोई रुकता है नहीं। हाईवे तक गाड़ियां पार जा रही थी, कार वाले को दरिया के पीछे निकल उड़ी है, इतनी बड़ी घटनी है। उसने क्या किया, कार खाली के आगे लगा, उसको बिठा दिया, चल पड़ा। अचानक रास्ते में उसको याद आया, अरे मैंने इसको पूछा नहीं कि कौन सी क्वालिटी में इसको उतरना है, कहाँ उतरना है। गाड़ी को स्लो किया, पीछे मुड़कर कहते माता जी आपको कहाँ उतरना है, तो पीछे मुड़कर देखा उसकी गठड़ी सिर पर है। तो ये गाड़ी का गठड़ी, उसको कहा माता जी सिर पर रखो ना छिटका दिए। कहते बेटा आपने मुझे गाड़ी में बिठाने की मेहरबानी की, मैंने सोचा तुम्हारी गाड़ी में बोझ क्यों, इसीलिए मेरी गठड़ी वो सिर पर रखे बोझ किस पर गाड़ी कोई। इसी तरह पाप का बंद करके फिर भी बोझ लेके चलेंगे, बातों का बोझ भरे सारे बोझ प्रभु को। जैसे लंबी यात्रा करके आते हैं तो कुली मिलता है, कुली क्या करता है, ये भी दे दो वो भी दे दो, सारा सामान दे दो और तुम हल्के होके चलो। इसी तरह 84 जन्म की यात्रा करके हम बहुत थक जाए तो बाबा हमें किस रूप में मिला है, कुली के रूप में मिला है। कहता सारे बोझ तुम मुझे क्या करो दे दो। इसीलिए कर्मों के घुई गति को समझो। कितनी बातें बताई, पहली कौन सी बताई, ड्रामा को समझ लेना। दूसरी कौन सी बात बताई, कर्मों की घुई गति। तीसरी बात आई, अगर हमें डबल लाइट रहना है, हल्के बनना है, व्यर्थों से मुक्त बनना है, इसके लिए कोई आपको कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी बोलता है, उसको मन में रिपीट नहीं करो, ज्यादा सोचो नहीं, जितना सोचेंगे वो बात अंदर जाएगी, वृत्ति में जाएगी। एक बार कोई बात अंदर गई, भावना खराब हो जाएगी, कभी भी हल्के नहीं बनेंगे, देह अभिमान आएगा। इसलिए कोई भी बातों को क्या करते हैं, बुद्धि से निकालो।